हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मतलब वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 15 अक्टूबर 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक देख कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन से अभिषेक रंजन, ऑप्शन बी रमेश कुमार गर्ग, ऑप्शन सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, और ऑप्शन डी रेखा मेहता। तो निजी क्षेत्र का प्रमुख बैंक है बंधन बैंक, इसके जो नए सीईओ और एमडी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता को नियुक्त किया गया है। प्रश्न के दो है कि हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से बीएसएफ बॉर्डर्स सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी एनआईए, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, और ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। तो प्रश्न के दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बीएसएफ। प्रश्न संख्या तीन है कि भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन से हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑप्शन बी एलएनटी शिपयार्ड, ऑप्शन सी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, और ऑप्शन डी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा। प्रश्न संख्या चार है कि आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे, और ऑप्शन डी चिराग पासवान ने। तो प्रश्न संख्या चार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या पाँच है सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। ऑप्शन से विराट कोहली, ऑप्शन बी कामेंदु मेंडिस, ऑप्शन सी संजू सैमसन, और ऑप्शन डी जो रूट। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब ऑप्शन बी कामेंदु मेंडिस, जो श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं, इन्हें सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। प्रश्न संख्या छः है कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। ऑप्शन से फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या छः का सही जवाब ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, वो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में 17 अक्टूबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। प्रश्न संख्या सात है कि किस राज्य ने हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भागीरथ शुरू किया। ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी पंजाब। प्रश्न संख्या सात का सही जवाब ऑप्शन बी तेलंगाना ने। प्रश्न संख्या आठ है किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का अनावरण किया है। ऑप्शन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और ऑप्शन डी केंद्रीय बिजली मंत्रालय। प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय। प्रश्न संख्या नौ है कि ब्लॉक प्रूविंग वाई एक्सेल काउंटर बीएबीपीएससी सिस्टम किस संस्था से संबंधित है। ऑप्शन से भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी भारत का चुनाव आयोग, और ऑप्शन डी भारतीय वायुसेना।
संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन बी भारतीय रेलवे से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 से ऑपरेशन चक्र 2 जो समाचारों में देखा गया था किस संस्था से संबंधित है। ऑप्शन से केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन सी भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन डी भारत का निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। प्रश्न संख्या 11 है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस वाट AI आधारित एप्लीकेशन पेश किया है। ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। प्रश्न संख्या 12 है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH कहाँ स्थित है। ऑप्शन से रुड़की, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन ए रुड़की में भारतीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है कि दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऑप्शन से इंग्लैंड, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी भारत और कोलंबिया के बीच। प्रश्न संख्या 15 है किस देश ने कनाडा के कार्यवाहक उच्च आयुक्त स्टीवर्स रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। ऑप्शन सी इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। तो प्रश्न संख्या 15 किस देश ने कनाडा के कार्यवाहक उच्च आयुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनीतियों को निष्कासित कर दिया है। सही जवाब ऑप्शन बी भारत। प्रश्न संख्या 16 है कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है। ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में किसने 14 अक्टूबर को दिल्ली में ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी चिराग पासवान। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस जयशंकर। प्रश्न संख्या 18 है कि वेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। ऑप्शन से तानिया हेमंत, ऑप्शन बी अनुष्का पारिक, ऑप्शन सी संजना संतोष और ऑप्शन डी मधुमिता बिष्ट। तो प्रश्न संख्या 18 वेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स का खिताब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तानिया हेमंत। प्रश्न
जनसंख्या 19 के वार्षिक इंडिया लीडरशिप 2000 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 20 के हाल ही में किसको सरकारी ई मार्केट प्लस GEM को नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से दुर्गेश कश्यप, ऑप्शन बी एल सत्य श्रीनिवास, ऑप्शन सी विक्रम अग्रवाल और ऑप्शन डी राजनाथ राय। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एल सत्य श्रीनिवास। प्रश्न के 21 है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? ऑप्शन से ए 10वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 14वां और ऑप्शन डी 15वां। तो प्रश्न के 21 का सही जवाब ऑप्शन सी 114, ऑप्शन सी 14वां। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 15 अक्टूबर 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।